नई दिल्ली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वार्षिक रिपोर्ट 2016 से 17 को जारी करते हुए इस रिपोर्ट में नोटबंदी के मार्च 2017 तक की स्थिति की जानकारी दी गई है। पता चला है कि नोटबंदी के दौरान बैन किए गए 1000 रुपए के पुराने नोट में से करीब 99% बैंक सिस्टम में वापस लौट आए हैं और सिर्फ 1000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट वापस नहीं आए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल नवम्बर में लागू की गई नोटबंदी के दौरान देश में प्रचलन में रहे 15.44 लाख करोड़ रुपए से प्रतिबंधित नोट में से 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट कर आ गए हैं। आपको बता दें, नोटबंदी से पहले 1000 रुपए के नोटों की कुल संख्या 632.2 करोड़ थी, यानी सर्कुलेशन में 1000 रुपए के नोटों की टोटल वैल्यू 6326 अरब रुपए थी। इसमें से केवल 79 अरब वैल्यू के नोट नहीं लौटे हैं। नोटबंदी के बाद सर्कुलेशन में मौजूद नोटों के टोटल वैल्यू में 2000 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 50.2% है और रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटबंदी के नए नोटों को छपाई से वर्ष 2016 से 17 में नोटों की छपाई की लागत दुगनी होकर 6965 रुपए हो गई है, जो कि सन 1915-16 में 3421 करोड़ रुपए थी। नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में नोटों का सर्कुलन 20.2% घटा है। इस साल सर्कुलेशन में नोटों की वैल्यू 13.1 लाख करोड़ है, जबकि पिछले मार्च में यह 16.4 लाख करोड़ है। और पता चला है, RBI की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में मार्च 2017 तक 662,072 नोट पकड़े गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है, 2,500 रुपए की नई डिजाइन के भी नकली नोट सामने आए हैं। RBI को 638 नोट 2000 के नकली मिले हैं और वहीं 500 के भी 199 नकली नोट पकड़े गए हैं। ये थी SNS रिपोर्ट।